देश में बढ़ते कोरोना वायरस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस प्रकार से कोरोना वायरस पूरे दुनिया को तबाह कर चुका है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो वायरस हमारे हिंदुस्तान में भी आ गया है, आप आवाम में क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमारी पूरी कोशिश चल रही है, मैं तमाम मस्जिदों के ट्रस्टियान से मेरी बात हुई है, तमाम मस्जिदों में ऐलान हो रहा, और हम लोग ये चाहेंगे कल का जो जुमा का जो नमाज है वो आवाम जो है बिल्कुल तय वक्त में आए, अपने घरों से वजू करके आए और ज्यादा देर मस्जिद में ना रुके और नमाज पढ़े, तुरंत अपने घरों के लिए रवाना हो जाए, मास्क या रुमाल अपने मुंह पे बांध के आए ताकि वायरस जो है ये फैलता है उसको किस तरह रोका जाए, ऐसा हम लोग कल एक प्लान किए हैं। तमाम आवाम को मैं गुजारिश करूंगा, कांदिवली परिसर के तमाम, मुंबई के परिसर के तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपने जमात के थोड़े देर वक्त पहले आए मस्जिदों में, वजू घर से करके आए, सुन्नत नमाज भी घर से पढ़ के आए, सिर्फ फर्ज यहाँ पढ़े और तुरंत जो अपने घरों के लिए रवाना हो जाए, और उसके बाद हम एक पूरे कांदिवली परिसर में एक मीटिंग रखेंगे, उस मीटिंग में हम लोग आपस में तमाम धार्मिक गुरु, तमाम सोशल वर्कर एक डिसाइड करेंगे कि आने वाले जुमा में हम किस तरह इस चीज का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको रोकने के लिए एक स्ट्रांग कदम उठा सकते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी।